हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होप कि सभी अच्छे हैं खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है जानेंगे आपके नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स कैसे रहने वाले हैं इसमें आपकी लव लाइफ वर्क हेल्थ मूड सब कैसा रहेगा ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगी स्टार्ट करते हैं बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आता है शुरू करने से पहले बता दूंगा इस ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो हो सकता है ना हो सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड रीडिंग ये टाइमलेस है जब भी आप यहां तक पहुंचे आप देख सकते हैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं वी हैव सम सम्ड ओके वी हैव ओ ओके 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 by love life have cards hmm. okay the wheel of fortune two of wands we have we have what else we have five of pentacles okay we have three of pentacles and knight of swords and justice व हैव सिक्स ऑफ सोड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थ्री ऑफ कप्स एंड फाइनली फोर ऑफ कप्स पेज ऑफ सोड्स नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स काफी इंटरेस्टिंग है देखो नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में आपके पर्सन की नज़र आप पर है आप ही को देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका दिल टूट गया इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी आप आपको पूछा नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये पर्सन तो आपका वेट करते हुए वे दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे डेस्टिनी देस, ने बहुत बड़ा रोल एक प्ले करा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका वेट कर रही है डेस्टिनी के कब मुझ तक पहुंचोगे कब सब कुछ ठीक होगा कब आपकी शादी होगी कब आपके सपने पूरे होंगे कुछ इस तरीके से डिले तो दिख रहा है यहाँ पर लेकिन मिलकर रहेगा आपको जो आप मांग रहे हो नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में आपके पर्सन आपको बहुत याद करने वाले हैं लव लाइफ की बता रही हूँ मैं पहले और मुझे लगता है जैसे एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग है एक केयर वाली फीलिंग है आपके पर्सन की आपके लिए क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है और इस पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि आप, आप सैड हैं आप 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 दुखी हैं इसको नहीं अच्छा लग रहा है ये एक केयर दिख रही है एक लव वाइब्स आते हुए दिख रही है ठीक है गुड एनर्जी आते हुए दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो आप भले ही सेपरेशन में हो बात बहुत कम होती है लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव फील करोगे बहुत अपनापन लगेगा आपको आपके पार्टनर की तरफ से चाहे बात भी नहीं हो रही है आपकी क्योंकि द वील ऑफ फॉर्चून गुड लक आपके साथ है इस कनेक्शन में नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स आप अकेलापन आपको नहीं आ, फील होगा क्योंकि आपके पर्सन ऑल द टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं अगर मैं आपके वर्क एरिया की बात करूं तो अभी सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है आपकी लाइफ में लेकिन एक चीज है ये स्ट्रगल ना आपको हार्डवर्क करने से रोक रोक नहीं रहा है आप बहुत मेहनती हैं आपके अंदर करेज है आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप कॉन्टीन्यूअसली काम कर रहे हो आप रुक नहीं रहे हो आप अपनी डायरेक्शंस चेंज नहीं कर रहे हो इवन आपने तो और ज़्यादा स्पीड अप कर दी है और ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर रहे हो बिकॉज आपने अपना माइंड बना लिया है आपको जो अचीव करना है वो करना ही है आप कैसे भी करोगे कितना भी टाइम लगे फर्क नहीं पड़ता लेकिन करना वही है और कहीं ना कहीं जस्टिस भी आपके पास आएगा गाइस जितना वेट जितना डिले आप देख रहे हो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा चीज भी मुझे यहां पर दिख रही है हार्डवर्क तो आप हार्ड वर्किंग पर्सन है आप कर रहे हो हार्ड वर्क और नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में आपने इस हार्ड वर्क को दुगना तिगना कर देना है ऐसा मैं देख रही हूं आपको करते हुए सेलिब्रेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो लाइफ में सेलिब्रेशन आए आप सेलिब्रेट करें और uh, मुझे लगता है जब तक आप कोई हायर पोजीशन अचीव नहीं कर लेते तब तक आप खुद को रोक रहे हो सेलिब्रेशन करने के लिए लेकिन जल्दी आप ट्रैक पर आ रहे हो जो जो चीज़ें मिस कर रहे हो वो सब आपको याद आ जाएंगी आप उन सारी चीज़ों को ढूंढ लोगे कोई एडिशनल uh, नॉलेज कोई प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है ठीक है क्योंकि आपके पास ये पेंटिकल दिख रहा है मुझे गिफ्ट दिख रहा है एक ब्लेसिंग दिख रही है आपके पास आते हुए आपको लगता है कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे तो ये चीज़ सोचना बिल्कुल छोड़ दो सपने सबके पूरे होंगे अगर आप में लगन है तो हर चीज़ पूरी हो जाएगी और मुझे दिख भी रही है आपके अंदर लगन डेडिकेशन है आपके अंदर अपने काम को लेकर अपने करियर को लेकर यह चीज़ दिख रही है यहाँ पर डोंट वरी सब कुछ अच्छा होगा मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है पर फिर भी मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड्स कुछ लेना चाहूंगी क्या आता है यहाँ से सी मैरिज दिसंबर वैसे किस किस के दिसंबर में मैरिज होने वाली है मुझे भी बता दो ओके okay. दिसंबर में आपका काम बन सकता है अपकमिंग दिसंबर में आपका काम बन सकता है आपकी आज की मेहनत हो सकता है तीन दिन की मेहनत दिसंबर में आपको रिजल्ट दे देगी और कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है गाइस रेड रोज दिखने शुरू हो जाएंगे आपको अगर ये चीज है अगर ये चीज होने वाली है तो ऐसे ही रोज दिखेंगे बिल्कुल जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है वाव दिसंबर लकी मंथ ऑफ द ईयर लकी मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर में कुछ काम बन सकता है आपका ऐसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ बाकी अगर बात करूं तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं है आपके साथ आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में आपका जो मूड है लव लाइफ को लेकर अगर डिस्टर्ब भी है तो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गुड लक है और आपके पर्सन कॉन्टीन्यूसली आपको देख रहे हैं आपके लिए प्रार्थना प्रोटेक्शन लव केयर सब भेज रहे हैं सब सेंड कर रहे हैं आपको तो आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत अकेलापन फील करने वाले हो इवन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाली है बूस्ट होकर हो जाएगी आपकी एनर्जी एंड यू कैन पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू तो अचीव योर टारगेट्स ठीक है और सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी डोंट वरी मुझे लग रहा है कि आप नेक्स्ट सेवेंटी टू आवर्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है आपके पास कि आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं ये चीज़ें मुझे दिख रही है तो ये बहुत लकी आर्स हैं इसमें आप काम करते रहें दिसंबर में आपको कुछ अचीव हो सकता है लेट्स सी मोर यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ बिल्कुल सेफ है आप दोनों एक दूसरे के लिए एंड सरेंडर टू द डिवाइन सरेंडर कर दीजिए बिल्कुल चीजों को डिवाइन पर जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है एटलीस्ट उन्हें तो सरेंडर कर दो आउट ऑफ यंफर्ट जोन ये तो आप बिल्कुल कर रहे हो आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो और मेहनत कर रहे हो ये चीज तो मुझे दिख रही है आप खुद सारा जो डेडिकेशन है वर्क है ये आपके लिए लाइफ में विन आउटकम लेकर आएगा विन विन आउटकम, आउटकम, आउटकम। चीजें बेटर हो रही है आपकी लाइफ में क्योंकि आप वर्क कर रहे हो बाकी रेस्ट जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है आप सरेंडर कर दो ठीक है ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है जब सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने की जरूरत है गाइस जहां आपका टारगेट कंप्लीट ना वहां आपकी लाइफ सेट है ये चीज़ मैं यहां देख पा रही हूं ठीक है अभी के लिए <laughs> नो नो का मतलब होता है नो नीड टू वरी बिल्कुल भी टेंशन ना लो बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ थोड़ा वेट करवा रहे हैं डिवाइन आपको पर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आगे ये वेट का जो कहते हैं ना सब्र का फल बहुत मीठा होता है तो ये वेट करा रहे हैं बट तो आपको रुकने के लिए नहीं कह रहे डोंट स्टॉप बिल्कुल ना रुको आगे बढ़ते रहो ठीक है सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले ली ना पता लगा ली तो पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए रेडी है बिल्कुल रेडी है परफेक्ट टाइमिंग पर ही मिलना है आपको सब कुछ और मुझे लगता है दिसंबर कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है ठीक है रोमांस भी आ जाएगा इसके बाद आपकी लाइफ में डोंट वरी सब अच्छा होगा बस आप थोड़ा भरोसा रखें अपनी डेस्टिनी पर अपनी किस्मत पर ठीक है गाइस ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि आपके लिए है मैरिज का कुछ हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में दिसंबर का मुझे लग रहा है मैरिज का भी हो सकता है कुछ का कुछ का दिसंबर में बहुत बड़ा काम बनने वाला है लाइक like, करियर में और फिर आपकी लाइफ अच्छी तो है ही आगे तो सब कुछ अच्छा होगा ही होगा फिर ठीक है तो जो भी ये हो रहा है इसे होने दें प्रोसेस पर भरोसा रखें अपने ऊपर भरोसा रखें यूनिवर्स पर भरोसा रखें और चीज़ें आगे चलकर सॉल्व हो जाएंगी ऐसा मेरा भी मानना है और कार्ड भी मुझे यहाँ पे बता रहे हैं तो ऑल द बेस्ट आगे के लिए दिसंबर में मैं चाहती हूँ आप सब मुझे गुड न्यूज़ दें कि आपके टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं तो मेहनत करो आज की मेहनत कल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है ओके दिस इज योर रीडिंग आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो आपको पसंद आई हो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना अभी के लिए बस इतना ही गाइज बाय टेक केयर